हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ बच्चों के अंदर ये थोड़ा सा डर बना रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि आप मैथ्स में भी पढ़े हो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बैलेंस कैसे किया जाए, केमिस्ट्री में पढ़े हो, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हो, सेकंड चैप्टर पढ़ लिए हो, थर्ड चैप्टर पढ़ लिए हो, टोटल और टोटल उसमें देखोगे तो सारे इक्वेशन ही जो है वो भरे पड़े हुए हैं। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो ये होने वाला है कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बैलेंस कैसे किया जाए। तो वीडियो को एकदम जबरदस्त जस्त तरीके से देखते रहना और अपने जितने भी दोस्त हैं फटाफट शेयर करो और बताओ कि केमिकल इक्वेशन को इससे सिंपल तरीके से बैलेंस करना कहीं और आपको नहीं मिल सकता। तो फटाफट जितने लोग भी लाइव अभी देख रहे हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन हमें मिलता रहेगा ना, तो हमारा भी इंटरेस्ट बना रहेगा आप तक नई नई वीडियो पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, बहुत ही खूबसूरत सा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। आज जो मैं एकदम सिंपल ट्रिक बताऊंगा ना कि आप भूलकर भी दिखाना, मैं देखता हूं कि भूलते कैसे हो, मैं भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन को एकदम मतलब बेसिक से लेकर एकदम हाईएस्ट पॉइंट तक हम सीखेंगे कि कैसे एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स होंगे, राइट हैंड साइड में जितने भी एटम्स होंगे, उनको किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देख लो, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आता है जिसमें सबसे पहले कुछ रूल्स दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स दिए जाते हैं, उस रूल्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि भाई देखो अगर हमें जीवन में बहुत बड़ा काम करना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर एटम्स को बैलेंस करना सीखना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है, तो हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जिन्हें हमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऑफ व्यू के तरीके से देखना पड़ेगा, जिसमें आपके सामने चार चीजें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप पहला पॉइंट तो ये देख सकते हो। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, राइट एंड बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स मौजूद हैं, प्लस राइट हैंड साइड में कितने एटम्स मौजूद है, तो आपको पहला स्टेप ये पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इसमें पावरफुल है वो क्या है, एटम्स है, कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स मौजूद हैं हमें उसके बारे में जानकारी लेना है, दूसरा राइट हैंड साइड में कितने एटम्स मौजूद हैं उसके बारे में जानकारी लेना है, तो हम उसके बाद कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। अब थर्ड नंबर पे आता है क्या, कि चेक दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय रिकाउंटिंग द एटम्स। पहले स्टेप में हमने देखा कि इक्वेशन अनबैलेंस है, देखने के बाद पता चल गया, देखने के बाद पता चलने के बाद हमें क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है। जब एटम्स को काउंट करेंगे तो पता चला जाएगा कि इक्वेशन क्या है, हमारा अनबैलेंस है। इसके बाद एटम्स को पूरी तरीके से चेक कर लो, चेक कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब हमें किस चीज की नीड है, कौन से एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में नहीं है, लेकर जाकर वहां पर क्या कर दो, रख दो। एक चीज याद रखना, और जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में ही हम एटम्स को जोड़े, हम रिएक्टेंट में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे है क्या, एड कोफिशियंट टू बैलेंस द इक्वेशन। लास्ट में इक्वेशन जब हम बैलेंस कर लेंगे तो ये समझ में आएगा कि नंबर ऑफ एटम्स जो है बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि मान लो हमने लिया क्या, हाइड्रोजन।
क्या ले लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्शन कराया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। किसके साथ रिएक्शन कराया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो ये बन गया क्या? वाटर बन गया। क्या बन गया? वाटर बन गया। अब हाइड्रोजन का सिंबल तो आप सब जानते ही होंगे, क्या होता है हाइड्रोजन का सिंबल? एच। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ओ। अब रिएक्शन करा दिए, वाटर का फॉर्मूला एक छोटा सा बच्चा भी जानता है, क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन आपने मोनोफॉर्म में क्यों लिखा है, ऑक्सीजन जो है वो मोनोफॉर्म में क्यों लिखा है? कभी भी याद रखना कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जितने भी गैस रहेंगे वो हमेशा डाई फॉर्म में लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे? डाई फॉर्म में लिखे जाएंगे। यानी यहां पर हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो देख लो कि यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात है, राइट हैंड साइड में देख लो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। अच्छा ये मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है। ठीक है, राइट हैंड साइड में वही सेम प्रोसेस लिखते हैं, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब हमें दोनों को क्या करना है? एटम्स को देखना है, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को देखना है प्लस राइट हैंड साइड एटम्स को देखना है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यानी 2-2 बैलेंस है, यानी हाइड्रोजन को टच नहीं करना है। अब बात आती है ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2 है, यहां पर कितने हैं? 1 है। अब हमें क्या करना है? यहां पर हमें 2 लाना है। कहां लाना है? लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। अगर यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2। अब देखो ऑक्सीजन यहां भी 2 है, ऑक्सीजन यहां भी 2 है, यानी बैलेंस हो गया। अब बात आती है कि चलो लेफ्ट हैंड साइड पर, अब सोचोगे कि सर कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि यहां पर क्या करेंगे, H2O2 लगा देते हैं, लेकिन ऐसा ये सबसे बड़ी गलती है, इस पर ध्यान देना है हमें, इसको नहीं, कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करो तो लास्ट में नहीं लिखना है, उसके पहले लिखना है। तो यहां पर लिख दो, तो कहोगे सर अब तो गड़बड़ हो रहा है, हाइड्रोजन तो 4 दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं ना, अगर राइट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें हाइड्रोजन को क्या लाना है? 4 लाना है। अब यहां पर कितना है? 2 है। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए? 2 से कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। ये भी 4 है, ये भी 4 है, सही है। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किसमें किए? हाइड्रोजन में, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहां पर 2 लिख दो। अब देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यानी अब ये समझ में आ गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा तो क्या हो गया? वाटर। अब सबसे बड़ी पॉइंट्स आपको याद करने की जरूरत है। अब आप देखो कि मैंने एक ही इक्वेशन को 2 तरीके से लिखा है, एक तो इस प्रकार से लिख दिया जो आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा क्या? इस प्रकार से लिख दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक डिफरेंस है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला हमने लिखा है इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ऊपर वाला जो है हमारा वर्ड इक्वेशन है और नीचे वाला हमारा क्या है? स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल देखो क्या होता है, सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, यानी Mg+Cl2। अगर मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया तो बन गया क्या? MgCl2। ठीक है, यानी इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनने वाला है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अब अभी इसके पहले जस्ट मैंने बताया कि ये क्या कहलाएगा? स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगा। और नीचे वाला हमारा क्या कहलाएगा? वर्ड इक्वेशन कहलाने वाला है। ठीक है, तो अब चलो सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। यानी मैग्नीशियम में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 1 है। क्लोरीन के कितने हो गए? क्लोरीन के 2 हो गए। क्लोरीन के कितने हो गए?
टू हो गए। यहां भी देखो मैग्नीशियम के कितने हैं वन और क्लोरीन के कितने हैं टू। अब देखो बैलेंस करने की जरूरत है क्या हमें, नहीं, मैग्नीशियम भी एक है क्लोरीन भी एक है, यानी दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन पहले से ही क्या है बैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, थर्ड वाला देखो एग्जांपल। सोडियम क्या लिया हमने, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम को किसके साथ रिएक्शन कराया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो बना क्या सोडियम क्लोराइड। अच्छा एक चीज जानते हो आप सब, जो सोडियम क्लोराइड होता है जिसे हम सब कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। एक और ऐसा नाम है जो अभी तक आप नहीं जानते हो, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का एक और नाम है जिसे हम सब रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रॉक सॉल्ट को हम सब कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। अब सोडियम का सिंबल तो जानते हो आप सब क्या होता है Na प्लस, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl2। अब रिएक्शन करा दिया, क्या करा दिया रिएक्शन करा दिया, तो बना क्या सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है NaCl, क्या होता है NaCl। अब हमें सबसे पहले रूल्स को जानना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा ये मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में ये सोडियम कितना है वन, सोडियम कितना है वन और क्लोरीन कितना है टू है, कितना है टू है। राइट हैंड साइड में सोडियम बताओ कितना है, सोडियम वन है और क्लोरीन कितना है वन। अब बड़ी समस्या है आपके सामने, सोडियम तो बैलेंस है, अनबैलेंस क्या है क्लोरीन है। अब यहां पर टू है यहां पर क्या है वन है, तो वन में कितने का मल्टीप्लाई कर दो टू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। अब क्लोरीन में मल्टीप्लाई करना है तो यहां नहीं लिखना है हमें कहां लिखना है आगे। अब सोडियम भी कितना हो गया टू हो गया, तो यहां सोडियम क्या हो जाएगा टू हो गया। अब यहां पर सोडियम कितना है वन, अब कितने का मल्टीप्लाई करो टू का मल्टीप्लाई कर दो, सोडियम में टू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिक हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन क्या है हमारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब बात आती है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर लगता है कि कहीं से भी डाउट हो रहा है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मुझे ये इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, सलूशन आप तक पहुंचेगा, क्योंकि हम आपके लिए 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल हैं। जो भी डाउट्स रहेगा वो सारे डाउट्स को क्लियर कराएंगे, एकदम बेस्ट तरीके से कराएंगे, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन की बात कर लो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमने ले लिया CH4+O2, हमने क्या ले लिया CH4+O2, यानी CH4+O2 को अगर रिएक्शन कराते हो, इसका नाम क्या है पहले तो नाम लिख लो, इसका नाम है मेथेन, क्या है मेथेन। मेथेन को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहां पर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा H2O, और साथ में ही क्या रिलीज करेगा हीट, क्या रिलीज करने वाला है हीट रिलीज करने वाला है। तो क्या देखो अब यहां पर बना क्या दो प्रोडक्ट बने, कितने प्रोडक्ट बने दो। अब यहां पर बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया, ठीक है। अब हमें इक्वेशन को क्या करना है बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड वही रूल्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब लिख लो कार्बन कितने हैं वन, हाइड्रोजन कितना है फोर और ऑक्सीजन कितने हैं टू, ठीक है। राइट हैंड साइड में लिखो कार्बन कितने हैं वन, अब हाइड्रोजन कितने हैं टू, हाइड्रोजन कितना है टू और ऑक्सीजन कितने हो गए थ्री। अब एक पॉइंट याद करने की जरूरत है, कभी भी अगर टू और थ्री का प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आ रहा है तो बस उल्टा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, थ्री को ला देना इसके साथ और टू को ला देना इसके साथ। अगर इक्वेशन उस टाइम अगर बैलेंस हो गया है तो ठीक है, नहीं होता है
तो बाकी और एलिमेंट्स पे चलेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या ये एलिमेंट्स बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है। तीन में से एक जो रहेगा, अगर एक बैलेंस कर दिए तो ऑटोमेटिक दो अपने आप ही हो जाएगा। हमें सब के पीछे नहीं भागना है, केवल एक के पीछे भागना है, तभी जाकर ये क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। तो कार्बन देखो कितने हैं, वन, यहां भी कार्बन वन है, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, फोर, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, टू है। कितने का मल्टीप्लाई करो, टू का। अगर टू का मल्टीप्लाई कर देते हो तो हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर हो गया। तो अब टू से मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन फोर बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन में डिस्टर्बेंस हो गया। अब टू वन जा टू, और टू और टू कितने हो गए, ऑक्सीजन फोर हो गए, कितने हो गए, फोर। लेकिन यहां पर कितना है, टू का। अब कितने का मल्टीप्लाई करोगे, टू का मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऑक्सीजन में टू का मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाता है, फोर। तो यहां पर कितना करना है भाई, टू का कर दोगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भेजो। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो। अभी डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं हर एक चैप्टर का एमसीक्यू, असर्शन रीजंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें मैं कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आप सबके लिए होने वाला है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। जितने लोग नए हैं इस चैनल पे, फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तब तक ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।